स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माँ का मेन्यू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी। तो चलिए देख लेते हैं राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। हमने लिए है दही जो एक बड़ी कटोरी है, 200 ग्राम गुलाब जामुन, एक छोटी कटोरी मलाई, जीरा, कसूरी मेथी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। और ये लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। जो लहसुन अदरक नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये लिया है काजू, 7 से 8 काजू लिए थे, 1 चम्मच कोकोनट पाउडर है और 1 चम्मच ही खसखस का पाउडर है, जिसे हम मैंने 15 मिनट गर्म पानी में भिगो के पेस्ट बना लिया है। अब हम दही को एक बड़े बाउल में डालेंगे। और अब दही के अंदर हम सारे मसाले मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे दही में मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आए। इसमें थोड़ा धनिया पाउडर ज़्यादा लगता है नॉर्मल सब्जियों से, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। और नॉर्मल सब्जियों से मिर्ची थोड़ी कम डालेगी, 1/2 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच ही मैंने नमक डाला है, क्योंकि इसमें नमक भी थोड़ा कम ही जाता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़े देर 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि सभी मसालों का फ्लेवर अच्छे से दही में मिक्स हो जाए। हमने एक पैन में घी डाल दिया है क्योंकि हम ये सब्जी घी में ही बनाएंगे। कुछ लोग तेल में भी बनाते हैं लेकिन इसका फ्लेवर घी में ही ज़्यादा अच्छा आता है। और हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। मैंने 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है और हमें जीरे को ज़्यादा जलाना नहीं है। अब हमने जो काजू, खसखस और कोकोनट पाउडर का पेस्ट बनाया था, अब उसे भी हम डाल देंगे। जब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा घी अलग नजर ना आने लगे इसमें। अब हमने जो पेस्ट डाला था वो अच्छे से भून चुका है। अब हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था वो भी डाल देंगे और फ्लेम को अब लो ही रखना क्योंकि अब हम डालेंगे दही जो मसाले मिक्स करके रखे थे। कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक कि दही में उबाल ना आ जाए। और अब हम इसे जब तक पकाएंगे तब तक कि हमारे मसाले में से ऑयल सेपरेट आउट ना हो जाए। अब हमारा मसाला पक चुका है और मसाले ने घी भी छोड़ दिया है। अब हमने जो मलाई ली थी वो डालेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर ही चलाते रहेंगे जब तक कि मलाई घी ना छोड़ दे। अब हमने जो मलाई डाली थी वो भी पक चुकी है और हमारा घी भी सेपरेट आउट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, आप चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और गुलाब जामुन डालेंगे। गुलाब जामुन डालने के बाद में आप इसे ज़्यादा देर चलाए ना, वरना हमारे गुलाब जामुन टूट सकते हैं। अब हमारे गुलाब जामुन की सब्जी तैयार है और हमें गुलाब जामुन को पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे
और इसमें ज़्यादा चम्मच ना लगाएं। लीजिए अब हमारे गुलाब जामुन की सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।